आज से हम लोग क्लास 10 का एक स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे और बेसिकली ये स्टोरी आपको मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से पढ़ाने वाला हूँ। लेसन 1 फर्स्ट फ्लाइट का लेटर टू गॉड। आज हम लोग इसको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 10 में, क्लास 10 का जो ये फर्स्ट वीडियो है उसमें। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग इस कहानी को पढ़े उससे पहले मैं आपको लिटरेचर का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज सीख, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज सीखने के लिए जो है वो जो 2-4 चीज इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको उसके साथ करना पड़ता है, 4 वर्क्स दैट वी डू विथ अ लैंग्वेज, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग, ये 4 काम जो हम लोग उसमें करते हैं। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बिना पढ़े आपको नॉलेज नहीं होगी। तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तो लिटरेचर बुक्स पढ़ोगे और न्यूज पेपर पढ़ोगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई टू रीड अ लिटरेचर बुक, लिटरेचर बुक आपको क्यों पढ़ना है, व्हाई टू रीड लिटरेचर बुक। बेसिकली स्टूडेंट लिटरेचर बुक पढ़ने से ही आपको ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा। हम लोग लिटरेचर सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग एग्जाम में उससे जो क्वेश्चंस आएगा उसका आंसर दे सके, बट ये ट्रू नहीं है। लिटरेचर जो है बेसिकली ही मेन चीज है जिससे आप लैंग्वेज को सीख सकते हो। यू नो लिटरेचर हेल्प्स यू इनरिच योर वोकैबुलरी, लिटरेचर जो है वो आपको हेल्प करता है आपका वोकैबुलरी इनरिच करने में, और इसके साथ साथ जो है वो ये आपको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स जो है वो सिखाता है। यू नो कि कौन से वर्ड को किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में और किस तरह के सेंटेंस में यूज करना है, सेंटेंस को कैसे कैसे यूज करना है एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप उस तरह से सीखते हो लिटरेचर में। लिटरेचर में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के में यूज हुए होते हैं, तो आप अगर उस वर्ड्स को उस सिचुएशन में यूज करते हुए देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड को किस सिचुएशन में यूज करना है। और आप जब ये डिक्शनरी से या इंटरनेट से जब कोई वर्ड याद करते हो तो वो वर्ड आप ऑब्वियसली भूल जाते हो, लेकिन जब आप कोई सिचुएशन में एक वर्ड देखते हो तो वो वर्ड आपके माइंड से नहीं निकलता। जैसे इस लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ में क्रेस्ट वर्ड यूज हुआ है। जनरली अगर आप क्रेस्ट वर्ड डिक्शनरी से याद करोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ, बट यहाँ पे एक सिचुएशन में इसका यूज किया गया कि क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, आपको याद रहेगा कि जो लेंचो का घर था वो हिल के टॉप पे था, तो यहां से आपको याद रहेगा कि क्रेस्ट मीन्स टॉप होते हैं। तो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें लैंग्वेज सिखाने में। अगर लिटरेचर नहीं होगा तो हम लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई ऑलवेज सजेस्ट देम टू रीड सम गुड बुक्स, इजंट इट, वेदर यू आर रीडिंग अ नॉवल और योर टेक्स्ट बुक्स ऑफ योर रेस्पेक्टिव क्लासेस। आप अपने अपने क्लासेस के टेक्स्ट बुक पढ़ो या जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो नॉवेल्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लिटरेचर के आप लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट लेसन है लेटर टू गॉड, आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ये लेसन जो है वो बेसिकली आपका लिखा हुआ है जीएल फ्यूम्स के द्वारा, और इस लेसन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में जो है आपको दिखाया गया है एक पर्सन, यू नो, जिसका नाम है लेंचो। लेंचो जो है वो हमारा इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? प्रोटैगनिस्ट इज समवन हु प्लेज द मेन कैरेक्टर, द लीड कैरेक्टर ऑफ अ प्ले और ऑफ और स्टोरी। जो कैरेक्टर, जो लीड कैरेक्टर होता है किसी कहानी का, उसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। तो इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो लेंचो है, और लेंचो के पास एक्सट्रीम फेथ है टुवर्ड्स द गॉड। गॉड के प्रति उसका बहुत ही ज्यादा फेथ है, बहुत ज्यादा विश्वास है उसके अंदर गॉड को लेके, और इसी वजह से जब वो बिल्कुल ही स्टार्वेशन के पोजिशन में पहुंच जाता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, वो भूख से मरने की स्थिति में और उसकी फैमिली आ जाते हैं, फिर भी वो होप नहीं खोते हैं, फिर भी वो होपलेसनेस के स्टेट में नहीं जाते हैं, और वो डिप्रेस नहीं होता है, और उसके अंदर उम्मीद रहती है, उसके अंदर होप रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीम फेथ है। किसके प्रति? गॉड के प्रति। तो इसमें हमें यह पता चलता है कि अगर आपके पास किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिवोशन है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, बहुत ज्यादा फेथ है, तो आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। लिटरेचर स्टडीज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स खुद से पढ़ के जो है वो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा
कि कैसे आप खुद से पढ़ के लिटरेचर की कहानियों को अच्छे से समझ सकते हो। आजकल हेल्प बुक्स आ गए हैं और हेल्प बुक्स में हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ रहता है और सब चीज दिए हुए रहते हैं और आप एक पास गूगल पे इंटरनेट पे हर जगह से जो है वो एक्सप्लेनेशन खुद जो है वो समझ जाते हो, कहानी का स्टोरी अच्छे से समझ जाते हो। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप स्टोरी समझ जाते हो, इम्पोर्टेंट ये है कि स्टोरी आप खुद से पढ़ के समझ पाते हो कि नहीं। बिकॉज लिटरेचर आर देयर टू मेक यू लर्न। फ्यूचर में जो कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स लोगों को, क्यों आती है? क्योंकि उनको आदत नहीं होता है पढ़ने का। और ये पढ़ने की हैबिट आप कब इवॉल्व करोगे और डेवलप करोगे? ये पढ़ने की हैबिट आप इवॉल्व और डेवलप तभी करोगे जब आप लिटरेचर पढ़ने की आदत अभी से डालोगे। लिटरेचर ही वो चीज है जो आपको लैंग्वेज सिखाएगा। तो बेसिकली आप इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहो कि उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे हेल्प बुक्स में तो हमें तो कहानी समझ में आ ही रही है, वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहानी को खुद से पढ़ के समझ पाते हैं कि नहीं। जिस दिन आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ के समझना शुरू कर दोगे उस दिन से तो आपका ऑलमोस्ट पूरा गेम ही ओवर हो जाएगा। इंग्लिश तो आप ऑलमोस्ट सीख ही जाओगे उस दिन से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स लिटरेचर पढ़ने का मैं आज की वीडियो में सिर्फ तरीका बताने वाला हूं और लिटरेचर का इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग कल के वीडियो में करेंगे इस कहानी का, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ये ज्यादा लंबा जो है वो एक पीरियड को नहीं देना चाहते हैं, 15-20 मिनट्स एट मैक्स। तो आज मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये जो कहानी है, कोई भी कहानी है, इसको आप कैसे समझ जाओ पढ़ के, खुद से कैसे समझ जाओ पढ़ के। तो खुद से पढ़ के समझने के लिए स्टूडेंट्स पहले तो आपको पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पढ़ना चाहिए किसी भी स्टोरी को। हम लोग गलती क्या करते हैं, अभी के स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ के उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं और यहीं पे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। आप कभी भी लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं समझ सकते हो जो लिखा हुआ है उसका। अगर आपको लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप अच्छे से नहीं निकाल पाओगे। तो आपको बेसिक क्या करना होता है कि आपको जो है वो फुल पैराग्राफ, जैसे लुक एट हियर, यहां से लेके यहां तक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको इस पूरे पैराग्राफ को जो है वो पढ़ना चाहिए एक बार में, और पूरे पैराग्राफ को एक बार में पढ़ के और फिर उसका आपको आइडिया मिल जाएगा और फिर आप सेंटेंसेस के मीनिंग अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैं एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं, और पढ़ने में जो है वो आपको पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत माइंड में रखना पड़ेगा। यू नो, अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स को इग्नोर कर देते हो वाइल रीडिंग तो आप कभी भी जो है वो सक्सेस नहीं हो सकते हो। We always think that you know punctuation marks are important only while reading, only while writing, but that's not true. Punctuation marks are important while reading also, isn't it? Punctuation marks जो है वो पढ़ते समय भी बहुत important है। जैसे मैं अभी आपको एक पढ़ का बताता हूं कि इसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए तो आपको automatic समझ में आ जाएगा। पहले तो आप पूरे paragraph को पढ़ोगे। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. देखो, अभी एक बार में आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको तो पहले एक आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद जो है तो आप उस वर्ड्स के भी अच्छे से मीनिंग्स बाय सेंटेंस उसके बाद आपको समझने में इजी होगी। तो सबसे पहले हमें जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स में फोकस करना है। द हाउस के बाद ये मार्क्स यूज हुआ है, हाइफन, फुल हाइफन। इसका ये पता चलता है कि जो नेक्स्ट क्लॉज यहाँ पे यूज होगा वो इस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा होगा, द हाउस को, यानी कि इसके बाद जो क्लॉज यहाँ पे यूज हुआ है वो हाउस के बारे में बता रहे हैं। और ये घर किसका है? ये लैंचो का घर है। और ये लैंचो का घर कहाँ पे है? लैंचो का घर एक वेली में है। और वेली क्या होता है? वेली होता है एक लो है लैंड बिटवीन टू हिल्स और टू माउंटेन्स, स्पेशली रिवर जनरली फ्लो थ्रू इट, जिसके बीच से होके एक नदी भी गुजरती है। तो पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है
और वो घर जो है वो लेंचो का है, इन द इंटायर वैली, पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है और वो घर लेंचो का घर है। और लेंचो का घर कैसा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो लेंचो का घर कैसा है और कैसे उसका घर जो है वो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल है। उस इंटायर वैली में, पूरे वैली में एक हिल है और हिल के टॉप पे जो है वो उसका घर है। तो ये जो है उसके बाद जो है वो उसके घर के ऊंचाई से आप क्या क्या देख सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स उसके घर को डिस्क्राइब किया गया है और उसके बीच पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सच एज इन दिस यू नो दिस हाइफन हैज बीन यूज्ड, लुक एट हियर यू नो द फोकस ऑन द हाइफन। सो बेसिकली दिस हाइफन इंडिकेट्स दैट द नेक्स्ट फ्रेज, the next clause would be about this house, isn't it? So basically this house is whose house? This is Lancho's house, and Lancho's house is basically in a valley. Lancho ka house kahan pe hai? Ek valley mein hai. Aur valley kya hota hai? Valley hota hai student the low land between two mountains or hills which often has a river flowing through it. So basically aap jaisa picture mein bhi dekh sakte ho valley kaisa hota hai। तो स्टूडेंट्स यू नो लेंचो का हाउस, लेंचो का घर जो है वो वैली में है और उस पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर मीन्स पूरे, पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है और वो लेंचो का घर है। और ये घर कहाँ पे है? सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यू नो उस वैली में एक छोटा सा हिल है लो हिल, और उस लो हिल के टॉप में, क्रेस्ट मीन्स होता है ऑन टॉप ऑफ यू नो, तो वो लो हिल के टॉप में लेंचो का घर है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो लेंचो के घर को हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह का उसका होना चाहिए। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. आप इतनी ऊंचाई से, मतलब जितनी ऊंचाई पे उसका घर है उतनी ऊंचाई पे अगर आप जाते हो, यानी कि उसके घर पर चढ़ के, यानी कि उसके घर पर से आपको क्या क्या दिख सकता है? उसके घर पर से आपको रिवर दिख सकता है, आपको फील्ड दिख सकता है, और ये जो फील्ड है ये किसका दिखेगा? ये कॉर्न का फील्ड दिखेगा जो कि डॉटेड है अपने फ्लावर से, कॉर्न के जो फ्लावर होता है कॉर्न फ्लावर्स, इज़न्ट इट? और कॉर्न जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो कॉर्न फ्लावर्स जो होते हैं वो कॉर्न में फ्लावर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे राइप कॉर्न का फील्ड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, पके हुए मक्के का, राइप मीन्स पका हुआ, जो कि आपको दूर से दिखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल डॉटेड डॉटेड जैसा लगेगा दिखने में, यानी पूरा फैला हुआ है चारों तरफ जो है वो फैला हुआ है राइप कॉर्न फील्ड दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ये जो फील्ड है लेंचो का, ये हमेशा जो है वो क्या करता है, ये हमेशा ही आपको बहुत अच्छा हार्वेस्ट जो है वो देता है, मतलब इससे काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट जो है वो होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ सावर। लेकिन अभी लेंचो को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे अभी एकमात्र चीज जो उसके लैंड को जरूरत है वो क्या चीज है? वो एक डाउन पोर। डाउन पोर मीन्स टू से दैट हेवी रेन स्टूडेंट्स यू नो, या कम से कम अगर हेवी रेन नहीं होता है तो थोड़ी सी बारिश तो हो ही जाए। एटलीस्ट अ सावर मीन्स टू से दैट कि थोड़ी सी बारिश। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. आज सुबह से लेंचो सिर्फ क्या किया है? कुछ नहीं किया है सिवाय आसमान में देखने के, अपने किस डायरेक्शन में आसमान में देख रहा है वो सुबह से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान में देख रहा है, क्योंकि उसको अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानकारी है, वो अपने फील्ड को बहुत ही क्लोजली समझता है और उसको पता है कि उसकी फील्ड्स को अभी बारिश चाहिए, इसीलिए आज सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मीन्स यू नो कि ये सुबह से, लगातार सुबह से, मतलब कोई भी काम जब आप शुरू से लेकर अंत तक करते हो तो थ्रू आउट वर्ड का यूज करते हो। तो बेसिकली आज सुबह से वो लगातार सिर्फ आसमान में देखे जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और उसको अपने फील्ड की पूरी जानकारी है, वो अपने फील्ड को क्लोजली समझता है, इसीलिए उसको पता है कि उसकी फील्ड को अभी बारिश चाहिए और इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर क्लाउड रहेगा इसका मतलब हुआ कि बारिश आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, आप एक पैराग्राफ शुरू से लेकर अंत तक एक बार पढ़ लोगे, लाइन बाई लाइन मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा।
हेलो स्टूडेंट्स, तो कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी जो है वो बेसिकली इसको हम लोग बहुत ही ग्राफिकली जो है पूरे कहानी को समझेंगे। और आजकल तो मीनिंग आप बहुत आसानी से समझ ही जाते हो, हिंदी एक्सप्लेनेशन तो दिया हुआ रहता है, बट मेन एम एंड मेन फोकस जो आपका ये होना चाहिए कि आप इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ के समझ जाओ। दैट शुड बी योर मेन फोकस, क्योंकि यही एम है आपका इंग्लिश सीखने के पीछे। क्या एम है कि हम इंग्लिश पढ़ को समझ जाएं। तो अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो फिर जो है वो आप नहीं सीख पाओगे। तो इंग्लिश सेंटेंसेस को आप पढ़ोगे, हेल्प बुक्स में जो हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है उसको आपको नहीं पढ़ना है, इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके एक्सप्लेनेशन को जो है वो खुद से जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये एम है और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक फुल पैराग्राफ एट अ टाइम पढ़ना चाहिए। एक बार में आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो। आप एक बार में जो है वो लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड अगर मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। आप पहले एक फुल पैराग्राफ एक बार पढ़ लो और फुल पैराग्राफ एक बार पढ़ने के बाद जो है वो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा और फिर आप सेंटेंसेस की मीनिंग बहुत आसानी से समझ जाते हो। सपोज दैट एक लिटरेरी स्टोरी में इतने सारे सेंटेंसेस रहते हैं, इतने सारे पैराग्राफ्स रहते हैं, अगर आप सारे सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ के समझ जाते हो तो आपका कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा आपके लिए और एक तरह से आप लैंग्वेज सीख ही जाओगे। लैंग्वेज सीखने का क्या मतलब हुआ कि आप पढ़ के समझ रहे हो, आपको बोलने भी आ रहा है, आपको लिखने भी आ रहा है, लैंग्वेज समझने का ही मतलब हुआ। तो लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर आप लिटरेचर नहीं पढ़ोगे तो आपको कंप्रहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कभी नहीं होगा। आपको ओवरऑल और फुल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए और वोकैबुलरी इनरिच अगर आपको करना है, वोकैबुलरी तो इनरिच करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना वोकैबुलरी इनरिच किए हुए आप लैंग्वेज कभी सीख ही नहीं सकते हैं। लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वोकैबुलरी और उसके लिए ज़रूरी है लिटरेचर। लिटरेचर में आपको इतने सारे वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं और ये सिर्फ वर्ड्स आपको याद नहीं करवाता है, ये वर्ड्स जो है वो याद करने के लिए नहीं रहते हैं, ये एक सिचुएशन में यूज़ हुआ वर्ड होता है। तो वो सिचुएशन जब आप कहानी में पढ़ते हैं तो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे ये बोला गया था। जैसे क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल है इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में, तो आपको जैसे ही क्रेस्ट वर्ड आप कहीं और पे सुनोगे, किसी और जगह सुनोगे, तैसे ही आपको माइंड में आ जाएगा अरे क्रेस्ट टॉप ऑफ द हिल, टॉप आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। एक सिचुएशन में अगर हम किसी वर्ड को देखते हैं तो वो वर्ड हमारे माइंड में हमेशा रह जाता है। और कम इन कंपेरिजन टू दोज थिंग्स की जब आप उसको याद कर रहे हो डिक्शनरी से, इंटरनेट से, अगर आप याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन एक सिचुएशन में अगर एक वर्ड का मीनिंग देखोगे तो उसको कभी नहीं भूलोगे और वो मीनिंग आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसीलिए लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर का लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अगर आप समझ जाते हो उसके सारे हार्ड वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे। अगर आप एक बुक भी लिटरेचर का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बहुत 20-30% 40-50% वोकैबुलरी आपका इनरिच हो जाएगा। बेसिकली इट लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इस कहानी का। इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो आपको डिस्क्राइब किया गया है लेंचो के घर को और लेंचो की सोच को, कि लेंचो उस दिन के इसके एक्टिविटी को यहाँ पे दिखाया गया है कि उस दिन कैसे कर रहा था। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From this height, one could see the river, the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So basically, students... मैं आपको मतलब समझने से पहले यहाँ पे एक और ट्रिक बताना चाहूँगा और वो है बेसिकली पंक्चुएशन मार्क्स। आपको वाइल रीडिंग यू नो बी ऑलवेज थिंक दैट पंक्चुएशन मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट ओनली बाय राइटिंग, बट दैट्स नॉट ट्रू। पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी एसेंशियल वाइल रीडिंग। आपको पढ़ते समय पंक्चुएशन मार्क्स का फुल नॉलेज आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइफन का यूज किया है हाउस के बाद, वैली के बाद, यू नो इंटीमेटली के बाद, तो ये सब जो है वो बेसिकली लेंचो के बाद ये सब जो रहा है उसके बारे में बताने के लिए है। आपको सारे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज अच्छे से आना चाहिए कि किस पंक्चुएशन मार्क्स का क्या मतलब होता है, तो ही जाके आप अच्छे से समझ पाओगे। यू नो पढ़ते समय जो है वो इस मार्क्स का माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है और कॉमास को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स जो है वो हाउस की बात हो रही है,
किसके हाउस की बात हो रही है, लेंचो के घर की बात हो रही है। और लेंचो का घर कहाँ पे है, लेंचो का घर एक वैली में है और इस पूरे वैली में जो है वो सिर्फ उसी का घर है और किसी का घर नहीं है। द हाउस, और हाउस के बाद जो हाइफन दिया हुआ है इसका क्या मतलब है कि जो नेक्स्ट लाइन है वो हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और हाउस को के बारे में क्या बता रहे हैं, हाउस के बारे में ये बता रहा है कि द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है और वो घर किसका है, लेंचो का। लेंचो का घर पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर है। इंटायर मीन्स यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा और वैली मीन्स एक ऐसा जगह होता है स्टूडेंट, अ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स एंड हिल्स, मतलब दो माउंटेन्स और दो पहाड़ों के बीच में एक नीचे वाला जगह जो होता है उसको वैली बोलते हैं। और उसमें एक रिवर भी जनरली होता है वहाँ पे, एक आसपास एक रिवर भी होता है। और उसका ये जो घर है पूरे इंटायर वैली में तो एकमात्र घर है, और उसके अलावा ये घर जो है वो बेसिकली एक लो हिल के टॉप पे है बनाया हुआ। अभी बेसिकली वो वैली है, वैलीज में जो है वो हिली एरियाज है सिंपली, तो बहुत सारे हिल्स हैं और उस वैली पे एक छोटा सा हिल है और उस छोटे से हिल के टॉप में, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल मीन्स टू से दैट कि टॉप ऑफ द हिल पे उसका वो घर है। और अगर आप उस घर के ऊंचाई पे जाओगे, मतलब जहां पे उसका घर है उतनी ऊंचाई से अगर आप देखोगे तो आपको वहां से आप क्या क्या देख सकते हो, आप वहां से रिवर देख सकते हो, आप वहां से एक फील्ड देख सकते हो। और ये फील्ड किस चीज का फील्ड है, ये फील्ड जो है वो कॉर्न फील्ड है, मक्के का खेत है और मक्का अभी पका हुआ है, राइप है, राइप मीन्स पका हुआ, मतलब उसकी फसल पूरी हो गई है। देखो कुड सी यूज यहां पे किया हुआ है, यानी कि कुड जो है वो कैन का सेकेंड फॉर्म होता है जो हमें एबिलिटी दिखाने के लिए यूज होता है कि आप जो काम पास्ट में कर सकते थे, यानी कि वहाँ पे आप जाओगे तो आप क्या क्या देख सकते हो, आप जो है वो रिवर देख सकते हो, आप जो है वो कॉर्न का फील्ड देख सकते हो, और कॉर्न के फील्ड के जो फ्लावर्स हैं वो आपको वहाँ से देखने में डॉटेड डॉटेड डॉट जैसा लगेगा। जब किसी दूरी से आप किसी चीज़ को देखते हो तो जो पूरा जो बिछा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है, तो वह डॉटेड जो है वो यहाँ पे ये डिनोट कर रहे हैं कि जो कॉर्न फील्ड के फ्लावर्स थे वो बिल्कुल ही आपको डॉट डॉट जैसे दिखने से लगेंगे दूर से, और चारों तरफ वही फैला हुआ है। और उसका जो फील्ड है ये हमेशा ही अच्छा हार्वेस्ट देता है, यानी कि उसमें हमेशा ही अच्छी फसल होती है। लेकिन अभी लेंचो ये सोच रहा है यहाँ पे कि लेकिन अभी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ नीडेड है वो क्या चीज़ है, वो है डाउनपोर। यू नो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, एकमात्र चीज़ जो अभी अर्थ को चाहिए वो है डाउनपोर। और डाउनपोर क्या होता है स्टूडेंट्स, डाउनपोर यानी हेवी रेन, बहुत ही ज़्यादा बारिश की आवश्यकता है। लेकिन लेंचो ये भी सोच रहा है कि अगर बारिश नहीं, अगर बहुत ज़्यादा डाउनपोर नहीं भी होता है तो कम से कम एक साबर तो चाहिए ही, यानी कि अभी उसको लैंड को, अभी उसके खेत को एक बहुत हेवी रेन या सावर चाहिए ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, आज सुबह से लेंचो क्या कर रहा है, थ्रू आउट वर्ड का यूज तब होता है स्टूडेंट्स जब काम कोई शुरू से अंत तक आपको दिखाना हो, यानी कि आज सुबह से लेके अभी तक के पीरियड में लेंचो ने क्या किया, और सुबह से लेके अभी तक के पीरियड को दिखाने के लिए थ्रू आउट वर्ड का यूज हुआ है। थ्रू आउट मॉर्निंग यानी सुबह से मैं लेंचो आज क्या कर रहा है, सुबह से आज लेंचो जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई की तरफ देख रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसको अपने फील्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, वो अपने फील्ड्स को बहुत ही इंटीमेटली यानी बहुत ही क्लोजली जानता है, और उसको पता है कि उसके फील्ड को अभी बारिश चाहिए, और इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगातार सुबह से देखे जा रहा है। पूरे सुबह वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही देखा है इस उम्मीद में कि शायद उधर क्लाउड होगा तो बादल आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर क्लाउड है तो बादल जो है वो 100% आएंगे, सॉरी अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर क्लाउड है इसका मतलब बारिश के आने की चांसेस ज़्यादा है अमेरिकन कंट्रीज में। यहाँ पे हम लोगों का डायरेक्शन अलग रहता है, बारिश वाला डायरेक्शन। तो बेसिकली इंटीमेटली वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स क्लोजली, वो अपने खेत को बहुत क्लोजली जानता है और उसको पता है कि अभी उसके फील्ड को बारिश चाहिए, और इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सुबह से देखे जा रहा है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स जो है वो उसके कन्वर्सेशन, उसकी फैमिलीज, ये सब जो है वो बताई जाएगी।